शादी से पहले तो मैं क्रेडिट अपने पेरेंट्स को दूंगी, अपनी फैमिली को दूंगी, जिन्होंने मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया और ये चीज़ अच्छी तालीम दी। और शादी के बाद डेफिनेटली मेरे इन-लॉज का, मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ था टुवर्ड्स माय जो मेरी अपनी डेवलपमेंट है, आप बोले एकेडमिकली, प्रोफेशनली। और इनफैक्ट जो मैंने अपना PhD किया वो शादी के बाद किया थी। मेरा क्राफल कश्मीर करके वेंचर चलता है जो मेरा और मेरी दोस्त बिनिश का है। मैं सब लड़कियों को यही बोलती हूँ, आप में जो भी काबिलियत है, आप में जो भी सलाहियत है, जो भी आपको आता है, आप उस चीज़ को लेकर सामने आओ, आप वो लोगों तक पहुँचाओ कि आप में इतनी काबिलियत है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप वंडर्स क्रिएट कर सकते हो, आप जो ही सामने आ जाओगे। मैं सबको यही बोलती हूँ, आप अपना जो टैलेंट है वो हाइड ना करें, नहीं छुपाएं इस डर से कि लोग क्या कहेंगे। कुछ नहीं कहते हैं लोग तब तक जब तक आप लोगों को दिखाओ ना कि आप क्या कर सकते हो। पुरानी कहावत है कि आपकी जो चैरिटी वर्क होती है वो घर से शुरू होनी चाहिए। जब आप वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म या वुमेन राइट्स की बात भी करते हैं, अगर आपके घर में आपको वो राइट्स नहीं मिलते तो आप बाहर जाके कितनी भी कोशिश करोगे, आप घर आके अपने आप को एक फेलियर मानोगे। जब तक मैं अपने घर का माहौल नहीं बदल पाई थी अपने तरफ, तब तक मैं दूसरों की मदद नहीं कर पाई थी। तो जो औरतें निकलती हैं बाहर दूसरों की मदद करने, मैं उनको एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अपने घर में अपना एक ओपिनियन खड़ा कीजिए, अपने घर वालों को समझाइए आपकी अहमियत क्या है, आपके हकूकों की क्या अहमियत है, फिर आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा अपने घर से बाकी काम करने का। आज मैं अपनी लाइफ में उस स्टेज पर खड़ी हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगले 2 महीनों में कश्मीर की सेकंड फीमेल कोच बनने वाली हूँ, जो कि मुझे लगता है कि मेरी भी मेहनत है और कहीं ना कहीं मेरे घर वालों की भी मेहनत है। तो आज के इस खुशी के दिन पे मैं हर एक लड़की से ये मतलब रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोगों के जितने भी सपने हैं उनको मतलब पंख खुलने दीजिए अपने सपनों के, क्योंकि अगर आप लोगों की बातों पे ध्यान रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम लड़की अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे। आज के ज़माने में हमें अपने टैलेंट से ज़्यादा पहले हिम्मत दिखाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम लड़की अपनी हिम्मत नहीं दिखाएंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि हमें दुनिया आगे बढ़ने देगी। तो आज के इस मौके पे विश यू ऑल द बेस्ट ऑल एंड हैप्पी वुमेंस डे। पैरों पे खड़े होने के बाद जब आती है तो तब हम लोग बता सकते हैं कि सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, खासकर कि फैमिली सपोर्ट की। लेकिन हम लोग देखते हैं कि एनवायरनमेंट भी उतना अच्छा नहीं होता, एक मिलता नहीं है उतना अच्छा एनवायरनमेंट, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती है, क्राइम्स अगेंस्ट वेमेन है, उसके लिए लॉ, गवर्नमेंट, उन लोगों को कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जिस हिसाब से वो लोग फिर मतलब जिस हिसाब से पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा मतलब फ्री हो जाए अपनी बेटियों को छोड़ने के लिए कहीं भी बाहर पढ़ने के लिए या कुछ भी ऐसा। जितनी भी हमारी कश्मीर में लड़कियां, मैं उन सब से ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ना हम किसी से कम हैं, ना किसी से ज़्यादा हैं, हम जो हैं हम बस वही हैं। और उस चीज़ को सबसे पहले हमें खुद रिस्पेक्ट देनी है। आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि आप किसी लड़के से कम नहीं हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को वैल्यू कीजिए, कोई करे ना करे, आप जो छोटी छोटी चीज़ें भी करती हैं उनको आप खुद वैल्यू दीजिए, दूसरे के वैल्यू देने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सना हूँ और मैं सबको कहना चाहती हूँ हैप्पी वुमेंस डे। जो आप हैं वो रहिए और खुश रहिए। आई एम प्राउड टू बी अ वुमन, आई विश ऑल वंडरफुल वुमन अ हैप्पी वुमेंस डे। आई विश ऑल द लेडीज Happy Women's Day. Hi, my name is Ikra Nazir and I'm very proud of myself, of my identity and dignity, and Happy Women's Day to all of you. I'm proud to be a woman. Happy Women's Day. Happy Women's Day.